इस समय हम उपस्थित हैं नेपाल में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति किस प्रकार से समान है और यहाँ पर बैलों से कितना प्रेम करते हैं नेपाल के लोग, इनको कितना अच्छा खिलाते पिलाते हैं। ये देखिए दो बैल का जोड़ा है यहाँ पर, चलते चलते हमने देखा कि आखिर क्यों भारत और नेपाल की आत्मा एक बताई जाती है और इनके लिए हरे चारे के साथ मिक्स करके व्यवस्था की गई है और बहुत ही शानदार ये नंदी है ये देखिए, और बिल्कुल इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणवी नस्ल होगा ये। और यहाँ पर एक दूसरा नंदी, दोनों का जोड़ा है, इनका कोई नाम भी निकाला है आपने? तो ये इनका घर है, मैं बात भी करवाऊँगा इनके मालिक से। तो ये देखिए बहुत ही प्रेम ये करते हैं अपने बैलों से, गाय की रक्षा सदा इन्होंने की है। तो गुड़िया, यहाँ पर एक गुड़िया है, तो ये यहाँ पर पानी का हेडपंप लगा हुआ है और यहाँ पर ये बेल लगी हुई है और यहाँ पर ये कुछ अलग ही व्यवस्था है कबूतर के लिए। ये देखिए नेपाल के लोग कितने अच्छे हैं, कबूतरों के लिए अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो क्या लोग, आप लोग कबूतर पालते हो, दाना डालते हो इनको? तो मैं मिलवाऊंगा इनकी जो सेवा करती हैं। क्या नाम है आपका? माता जी नाम क्या है आपका? आप बहुत अच्छा काम करती है, भगवान आपको बहुत शक्ति दे। आप बैल की सेवा करती हैं, कबूतर की सेवा करती हैं, जीवों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। क्या नाम है आपका? तेतरी नाम हमारा। तेतरी, और ये गांव का नाम क्या है? दरहिया। दरहिया, और जिला? जिला सिरहा। और कितने सालों से आप ये बैल रख रहे हैं? आय कितना साल से कदी के 200 साल से। 200 साल से। और अच्छा लगता है इनके साथ? अच्छा है। हाँ, हमेशा रखेंगे? हमेशा रहबे करेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, खेती में भी क्या क्या उपयोग करते हैं आप इनका? यह धान के लिए, गेहूं के लिए। धान के लिए, गेहूं के लिए। तो देखिए कितना प्रेम है बछड़ों से, नंदियों से, और बहुत ही अद्भुत। और ये आपका जो है एक हमारा चैनल है, उसके ऊपर आपका ये पूरा वीडियो आएगा, उनके फोन में हम डाल देंगे। तो ये देखिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है लेकिन धार्मिक रूप से पूर्ण रूप से संपन्न है, और ईश्वर की जो कसौटी है, जीवन की जो कसौटी है, धर्म की जो कसौटी है, उसके ऊपर खरा उतरते हैं। भारतीय लोगों को भी भगवान शिव का अगर आशीर्वाद चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अगर चाहिए, तो हर घर में दो बैल के जोड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो बैल का जोड़ा अगर होगा तो मुझे लगता है कि गाय को मारने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई गाय को छू भी नहीं पाएगा। तो देखिए नेपाल में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये यहाँ पर ये इनकी बैलगाड़ी है और डबल उपयोग है, रात में इसमें बैलगाड़ी में सो जाते हैं मच्छरदानी लगाकर, और दिन में इन बैलगाड़ियों को जोड़ लेते हैं। तो मस्तिष्क का पूरा उपयोग किया गया है, ईश्वर इनको खूब खूब शक्ति दे। जो धरती की जो सबसे बड़ी शक्ति है नंदी महाराज, उसको बचाने का इनका प्रयास बहुत अद्भुत है। नमस्ते, गो वंदे मातरम।